महबूबा मुफ्ती की जुबान आजकल कैंची से भी ज्यादा तेज चल रही है। अरे ये हम नहीं बोल रहे, बल्कि उनके जो बयान आजकल आ रहे हैं वो ऐसा खुद ही बता रहे हैं। पहले तो हम आपको ये बताते हैं कि महबूबा मुफ्ती के ऊल जलूल बयानों की शुरुआत कैसे हुई। दरअसल सोमवार को भाजपा ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था। इस मैनिफेस्टो में कई बड़े वादे भी किए गए थे और एक वादा ऐसा भी था जो भारत की जनता पुलवामा के बाद से ही मांग कर रही थी। वो वादा था जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 ए को हटाया जाना चाहिए। अब भाजपा की इस अनाउंसमेंट के बाद जम्मू कश्मीर के नेताओं में बौखलाहट बढ़ने के साथ साथ उनकी नींद भी उड़ गई और सबसे पहला नाम इसमें आता है पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती का। दरअसल महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ एक जनहित याचिका यानी PIL दाखिल की गई। इस याचिका में चुनाव आयोग से उनके लोकसभा चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग उठाई गई थी। उसके बाद जब ये उन्हें पता चला तो उन्होंने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि अदालत में समय हम क्यों गवाएं, बीजेपी की तरफ से धारा 370 समाप्त होने का इंतजार करें, वह हमें खुद ही चुनाव लड़ने से रोक देगा क्योंकि भारतीय संविधान जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा। और फिर उसके बाद उन्होंने एक ऐसी लाइन लिखी जिसे कोई भी हिंदुस्तानी बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने लिखा, ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। ये वो लाइन है जिस पर पूरे देश को आपत्ति जरूर होगी। इस पर लोगों ने अपने अपने ढंग से उन्हें बखूबी लताड़ा। इसी बीच गौतम गंभीर का एक ट्वीट भी आता है कि यह भारत है, आपकी तरह कोई धब्बा नहीं जो मिट जाएगा। इस ट्वीट के बाद महबूबा मुफ्ती ने गौतम गंभीर को ब्लॉक कर दिया। फिर भी गौतम गंभीर रुके नहीं, उन्होंने महबूबा मुफ्ती को लेकर एक और ट्वीट किया और लिखा कि इस ट्वीट को लिखते समय 125 करोड़ भारतीय और भी हैं, आप उन सबको कैसे ब्लॉक करेंगी। उसके बाद मुफ्ती ने भी गौतम गंभीर के ऊपर पर्सनल होकर पलटवार किया और लिखा कि मैं उम्मीद करती हूं कि आपकी राजनीतिक पारी आपके क्रिकेट की तरह बुरी ना हो। इसके बाद गौतम गंभीर ने भी महबूबा मुफ्ती को करारा जवाब दिया। उन्होंने लिखा, ओ यानी आपने मेरा ट्विटर हैंडल अनब्लॉक कर दिया है और आपको मेरे ट्वीट का रिप्लाई करने में 10 घंटे लगे और आप ऐसी सड़क छाप तुलना लेकर आई हैं। आगे उन्होंने लिखा कि अब मुझे कोई डाउट नहीं है कि आप जैसे लोग मुद्दों को हल करने में संघर्ष क्यों करते हैं। उसके बाद फिर मुफ्ती ने वार करते हुए कहा कि मुझे चिंता है तुम्हारी मेंटल हेल्थ की, लोग मुझे ट्रोल करते हैं और मैं इसकी आदी हूँ, और तुम कश्मीर के बारे में कुछ नहीं जानते तो खामोश रहो और मैं तुम्हें दोबारा ब्लॉक कर रही हूँ। तो ये थी कहानी महबूबा मुफ्ती और गौतम गंभीर के ट्विटर वॉर की, जो 370 को लेकर शुरू हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के वादे से और धारा 370 35 के खत्म हो जाने से उनकी राजनीतिक जमीन हिल सी गई है। इसी डर में चाहे वो कोई भी नेता हो, फारूक अब्दुल्ला हो, अमर अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती, सभी ऐसी ऊटपटांग बयानबाजी कर रहे हैं। शायद उनको इस बयानबाजी का फायदा मिल भी सकता है, पर इन घटिया बयानों से कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे बयानों से सिर्फ देश के लोगों की भावना आहत होती है और ये बयानबाजी सिर्फ देश तोड़ने वाली बात होती है, ये इनको समझना चाहिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, सी फर्स्ट करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमसे जुड़ी सारी नोटिफिकेशन तुरंत पाएं।